कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कोविड मरीजों को खून की कमी ना हो, इसी उद्देश्य से आज मजदूर दिवस के अवसर पर हमीरपुर के गांधी चौक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र झार, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा, ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र झार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीतिक संगठन न होकर सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और युवा कांग्रेस संगठन भी ऐसे कार्य में सबसे आगे रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की हालात को देखते हुए मरीजों की सहायता के लिए आज युवा कांग्रेस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया काम है। नहीं, मेरा शुरू से ही ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीतिक संगठन ना होकर सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और हमारा जो युवा कांग्रेस का संगठन है वो तो इन कार्यों में सबसे आगे रहता है। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोरोना के हालात को देखते हुए कोरोना के मरीजों की सहायता अर्थ आज इन्होंने यहाँ पर ये रक्तदान का शिविर लगाया और इसमें कोई शक नहीं और मैं इनको अपनी तरफ से पूरी मुबारकबाद देता हूँ और इनकी तरफ से जो ब्लड डोनेशन होगा वो कोरोना मरीजों को नई शक्ति देने में, नई ताकत देने में काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप पठानी ने कहा कि युवा कांग्रेस ने कोरोना महामारी के दौरान पुण्य का काम किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्य के साथ ही युवा कांग्रेस सामाजिक काम भी करती रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज कोरोना पीड़ितों के साथ खड़ी है और आगे भी ऐसे ही काम करती रहेगी। युवा कांग्रेस का जो संगठन है वो इसी सोशल सामाजिक कार्यक्रम के लिए गठित हुआ था। राजनीति के साथ साथ युवा कांग्रेस जो है वो सामाजिक कार्यक्रम भी करती रही है, चाहे वो बन लगाने का था, चाहे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का था। और कांग्रेस जो है आज सब उन लोगों के साथ है जो इस महामारी के बीच में ग्रसित हैं, उनके लिए कांग्रेस जो है हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव उनके काम करेगी, चाहे वो किसी लेवल पे हों। और युवा कांग्रेस से भी मेरा निवेदन है कि वो भी इस तरह के लोगों का जो बढ़ चढ़ के आप साथ दें। मैं एक बार पुनः प्रधान जी को और उसकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसी तरह आप कार्यक्रम करें और कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण बहुत फैल रहा है और युवा कांग्रेस के द्वारा इस तरह रक्तदान शिविर लगाए जाने से बीमारी में रक्त की कमी दूर होगी और इससे समाज की सेवा भी की जा सकेगी। वो कांग्रेस ने जहां पर कोरोना जो है इस समय महामारी के रूप में फैल रहा है, एक बहुत ही सामाजिक शुरुआत की है, जिसके लिए जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संधु जी, प्रभारी और तमाम जितने भी सुक्रांत भाटिया जी, तमाम जितने भी वो कांग्रेस के साथी हैं वो प्रशंसा के, सराहना के प्रतीक हैं। मैं उनकी शुभकामना देता हूं कि युवा कांग्रेस जो है इसी तरीके से कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर कांग्रेस के साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि नारे और भाषण से कुछ नहीं होता है। ये है युवा कांग्रेस का एक मंच जिसके ऊपर ब्लड इकट्ठा किया जा रहा है और समाज की सेवा की जा रही है। युवा कांग्रेस को फिर से बहुत बहुत बधाई। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना बीमारी के चलते गांधी चौक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और आने वाले दिनों में खून की कमी को दूर करने के लिए युवा रक्तदान करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसका जो हमारे कैंप का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य जो कारण है कि हमारा जो प्रदेश जो है वो महामारी से जूझ रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आगे के इस दौर में जो है वो रक्त की भी कमी आ जाए, क्योंकि एक नई SOP आ गई है जो वैक्सीन की जो सेकंड डोज है उसके 28 डेज के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो सभी रक्तवीरों का, युवा रक्तवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सीनियर जो लीडर्स हैं इनका भी धन्यवाद चाहेंगे।